साथ मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सर आज आपने तमाम जिले का निरीक्षण किया, जो के बीच हाईवे का निरीक्षण किया, तो क्या कुछ रहा होगा? ऐसे कुंभ की दृष्टि से दो तरह के काम यहाँ पर हो रहे हैं, कुछ कार्य ढंगे तैयारी के हैं और कुछ कुंभ मेला के अधीन राज्य सरकार के द्वारा काम कराए जा रहे हैं। लगभग जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कुंभ की दृष्टि से वो पूरी हो गई हैं। दो कार्य ऐसे हैं कि जो ये कार्य इस महीने लास्ट तक और अगला 15 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा गुणवत्ता की दृष्टि से और कुंभ की आवश्यकताओं के अनुरूप। जिस तरह से कुंभ में श्रद्धालु आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, उनकी सुविधा की दृष्टि से हमारे जो साधु संत हैं उनकी सुविधा की दृष्टि से सारे कार्य ये समय पर संपन्न हो रहे हैं और हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो हमारे मेहमान यहां पर आएंगे, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनको हम कैसे सहयोगी बन सकते हैं उस दृष्टि से इसकी प्लानिंग की गई है, इसकी योजना की गई है। शहर को सजाने का काम वो भी किया गया है और थीम बेस्ड है। हरिद्वार हमारी धार्मिक नगरी है तो उसके अनुरूप उसको सजाने का, संवारने का काम किया गया है। सर आपने ऑफिसर्स के लिए मीटिंग निरीक्षण के बाद क्या कुछ दिशा निर्देश आपने? देखिए अभी हमने लगभग जो कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण किया है और सारे अधिकारी भी साथ में थे, तो एक कोई किसी को कोई कमी नजर आ रही है, किसी के कोई सुझाव हो तो उस दृष्टि से जो भी कार्य यहाँ पर और किए जा सकते हैं उस दृष्टि से बैठे थे हम लोग और लगभग सभी की एक मत राय है कि जो काम समय पर होने चाहिए वो समय पर हो रहे हैं। साफ स्वच्छता निर्मलता इस पर ध्यान देने को कहा गया है, कुछ क्योंकि कुछ बातें सामने आई हैं कि कुछ लोग एक एजेंडे के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से कोई कमियां निकाल करके और राज्य सरकार को या प्रशासन को इसमें एजेंडे के तहत कुछ इसमें ढूंढा जाए, कुछ किया जाए, नहीं भी है तो कुछ क्रिएट किया जाए। इसलिए हमने कहा सतर्क रहने की जरूरत है, अगर कोई इस तरह की कोई अफवाह फैलाने का काम करते हैं, कोई एजेंडे के तहत काम करना चाहते हैं तो प्रशासन उस पर अपनी अपने हिसाब से उसको देखे और अगर कोई जानबूझकर अगर कोई इस तरह की कोई यहाँ पर हरकत करते हैं जो हमारे सौहार्द को ठेस पहुँचती है, हमारी एकता को ठेस पहुँचती है, तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा।